Right from my childhood, I always wanted to do everything. I wanted to play sports, I wanted to learn music and arts. मगर सच बात तो ये है कि 18 साल की उम्र तक मैं अपने लिए कोई भी हॉबी पिक नहीं कर पाया, मैं अपने लिए कोई भी हॉबी डेवलप नहीं कर पाया और मुझे लगता था कि क्या मैं अपनी लाइफ में कभी कोई हॉबी डेवलप कर पाऊंगा, क्या मैं भी कभी दूसरी लोगों की तरह सक्सेसफुल बन पाऊंगा। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई हैव डेवलप्ड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ हॉबीज विच गिव्स मी अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड अचीवमेंट। मगर सवाल ये है कि क्या आपको सच में इतनी हॉबीज डेवलप करनी चाहिए लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए? और अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहें मेरे साथ इस पूरी वीडियो में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हाउ मेनी हॉबीज डू यू रियली नीड टू बी सक्सेसफुल। So, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं मेन वेदा। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको आपकी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए सिर्फ 3 हॉबीज का होना ही जरूरी है, तो क्या आप मेरी बात का विश्वास करेंगे? तो चलिए समझते हैं कि ये क्या कंसेप्ट है और कैसे हमें वो 3 हॉबीज पिक करनी है जो हमें हमारी लाइफ में बनाएगी सक्सेसफुल। तो बात करते हैं सबसे पहली हॉबी आपको ऐसी पिक करनी है विच हेल्प्स यू टू ब्रिंग योर क्रिएटिव साइड, जो आपको क्रिएटिव बनाए, जो आपको हेल्प करे इमेजिनेशन बढ़ाने में, जो आपको हेल्प करे इंस्पायर करे टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्रिएटिव बनना है तो आप उसके लिए कोई भी एक ऐसी हॉबी पिक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सिंगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन लर्न म्यूजिक, यू कैन लर्न पेंटिंग, यू कैन स्टार्ट डांसिंग, यू कैन क्रिएट एनिमेशन, यू कैन लर्न वेब डिजाइनिंग, और अगर आपको लिखना पसंद है यू कैन स्टार्ट राइटिंग ब्लॉग्स, स्टोरीज, पोइम्स, एनीथिंग। आपको कोई भी एक ऐसी हॉबी पिक करनी है जो आपको हेल्प करेगी आपको क्रिएटिव बनाए रखने में। चलिए बात करते हैं दूसरी हॉबी आपको ऐसी पिक करनी है जो आपको हेल्प करे फिजिकली फिट रहने में। चूज एनी हॉबी विच विल हेल्प यू टू स्टे फिजिकली फिट एंड इन द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ। अगर आपको फिजिकली फिट रहना है तो आप कोई भी एक ऐसी हॉबी पिक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्टार्ट रनिंग, यू कैन स्टार्ट साइकिलिंग, स्विमिंग, जिम, योगा, मार्शल आर्ट्स, एनीथिंग। आपको कोई भी एक हॉबी पिक करनी है जो आपको बनाए रखे फिजिकली फिट। तो चलिए बात करते हैं तीसरी और आखिरी हॉबी। तीसरी हॉबी आपको ऐसी पिक करनी है जो आपको हेल्प करे एज ए सोर्स ऑफ इनकम। और यहां पे मैं आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम की बात नहीं कर रहा, मैं यहां बात कर रहा हूं सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। आप चाहें तो एक नई हॉबी क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी पहली दोनों हॉबीज में से किसी एक हॉबी को पिक करके उसे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ए राइटर, आपको पोइम्स लिखना पसंद है, यू कैन राइट शॉर्ट स्टोरीज, तो आप अपना एक वेबसाइट स्टार्ट करके उसमें अपने ब्लॉग्स को पब्लिश करके उसे मोनेटाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जिम करना पसंद है, आप फिजिकली फिट हैं एंड पीपल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, तो आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं जिसे आप लेटर ऑन मोनेटाइज भी कर सकते हैं। और अगर आपको वेब डिजाइनिंग पसंद है, यू कैन क्रिएट एनिमेशंस, तो आप अपनी ऑनलाइन पेड सर्विसेज भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि आपको ऐसी हॉबी पिक करनी है जो आपको हेल्प करे एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। तो ये थी हमारी 3 कैटेगरीज जिनमें से आपको एक एक हॉबी पिक करनी है, डेवलप करनी है और लाइफ टाइम उनको अपने साथ रखना है जो आपको हेल्प करेंगी आपकी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए। एंड आई होप दिस विल हेल्प यू टू पिक एंड डेवलप योर हॉबीज एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर जर्नी एंड विश मी द सेम। So that's all for today's video and thank you very much for watching this video, listening to me, and don't forget to subscribe my channel, like my video, comment and share on social media. You can also follow me on my social media accounts, Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn. You can visit my website www.manveda.in. So till then guys, stay healthy, stay fit and stay tuned for my upcoming videos.